एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सब मज़े में होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। और अभी देखिए, छत पर आई थी तो ये बस झाड़ू लगाने के लिए आई थी, तो बंदर ने बहुत ज़्यादा गंदा कर रखा था, तो बस ये झाड़ू लगाने के लिए आई थी। और अभी धूप इतनी तेज़ है ना ऊपर छत पर कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप है। तो बस मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि मुझे नहाना है, तो बस नहाने के लिए जा रही थी, तो पहले झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। और बंदर ने गंदा ज़्यादा कर रखा था ना, तो बस यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद नहाना ही पड़ता है। अगर नहीं नहाओ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे अलग सी बदबू आती हो ऐसा। तो बस ये देखिए, और थोड़ा सा है ना छत पे सब अवेरा अवेरी भी कर रही हूँ मैं। लकड़ी सब इधर से उधर पड़ी है, कपड़े इधर से उधर पड़े हैं, तो ऐसे में है ना अभी बारिश का टाइम था, तो बस जानवर कुछ भी निकल जाता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ छत पर। और अब बच्चे आते हैं तो बस कहीं पे ईंट रख दी तो कहीं पे क्या रख दिया, तो बस ऐसे ही फैला कर चले जाते हैं नीचे। तो बस अभी बच्चे स्कूल गए हैं, तो हर्षिता देवांश तो स्कूल गए हैं, भावना का आने का टाइम हो गया स्कूल से, तो बस वो आ गई होगी नीचे, मैं ऊपर हूँ, मुझे नहीं मालूम वो आई कि नहीं आई। और ये देखिए, छत एकदम से साफ़ हो गई है। और ये देखिए, यहाँ पर एलोवेरा है ना, तो एलोवेरा इतना, मतलब ये एलोवेरा के अंदर से इतनी बड़ी एकदम से एक कली निकल आई है, और इस पे छोटे छोटे से फ्लावर टाइप लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है क्या एलोवेरा? मैंने तो पहली बार देखा है। और ये देखिए, फूल अच्छे से खिल गए हैं आज। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं नीचे, तो बस थोड़ा सा गैस स्टैंड समेट रही हूँ और खाना देख रही हूँ कितना खाना रखा है, क्या है, फिर बनाएंगे खाना, तो बस उस हिसाब से बनाएंगे। तो बस ये बर्तन साफ करके रखे थे, तो पहले तो मैं बर्तन जमा दूंगी, जो भी हमारा काम होता है घर का वो काम कर लूंगी मैं सब। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद ही काम होता है सब। तो बस अभी दोनों ही बच्चे स्कूल गए हैं, तो जब तक मेरा काम सब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर परेशान करते रहते हैं, मम्मी ये मम्मी वो, तो बस कुछ समझ नहीं पड़ती है। और वो चले जाते हैं तो मेरा अच्छे से सब काम हो जाता है। और ये पलंग फेटी की चादर भी धो दी थी मैंने, तो बस अभी चादर बिछा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इतने ज़्यादा पैसे वाले तो हैं नहीं कि भाई पेटी पर अच्छे से गद्दा डाल ले, अच्छे से चादर बिछा ले। जो भी मेरे घर में जैसा भी रहता है, बस उसी में खुश रहती हूँ। और ये देखिए, भावना आ गई थी स्कूल से, तो फिर भावना, शाम का टाइम हो गया, अभी 4 बज गई है, तो बस उसने बोला कि लो मम्मी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। भावना वैसे बहुत मदद करती मेरी, वो बोल रही थी कि आप दोनों को लेने जाओगे देवा सरसिता को स्कूल, तो आप थक जाओगे, तो लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तो बस उसने लगा दी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हड़ताली तीज के दिन मेरा मंगलसूत्र था, जो मतलब टूटने जैसा हो रहा था, टूटा तो नहीं था लेकिन टूटने जैसा हो रहा था धागा, तो बस मैंने निकाल दिया उसको और निकाल के रख दिया था कि कभी टूट जाएगा तो फिर मंगलसूत्र गिर जाएगा कहीं पर भी। तो ये फिर आज है ना इसका मुहूर्त आया, तो बस आज मैंने मोती पिरोए हैं फिर से धागे में, और ये मंगलसूत्र बना लिया। और जब तक मैंने ये लंबा मंगलसूत्र पहन रखा था, तो ये लंबा मुझे कम जमता है रोज़ पहनने में, बस छोटा मंगलसूत्र सोने का वही अच्छा लगता है। और ये मोती पिरोने के बाद में फिर मंगलसूत्र बनाकर पहन लिया। और उसके बाद ये जो बड़ा वाला मंगलसूत्र है ना, ये नहीं खोला। ये क्यों नहीं खोला? क्योंकि शाम के टाइम में मंगलसूत्र नहीं खोला, तो इसको है ना कल निकालूंगी मैं। और ये देखिए, अभी खाने में बनेगा दाल बाटी और चावल बनेंगे, क्योंकि बच्चों का बहुत मन कर रहा था, हस्बैंड जी का मन कर रहा था बाटी खाने का, और बच्चों का मन कर रहा था चावल खाने का। और आपको क्या बताऊँ, सुबह से मेरी इतनी गैस बन रही है ना पेट में, तो थोड़ी देर में मेरी कमर दुख रही है, तो थोड़ी देर में मेरा पेट दुख रहा है, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो आज है ना कुछ ठीक नहीं है। तो बस ये मैंने जलजीरा रहता है ना, सॉरी जलजीरा, तो बस जलजीरा मंगाया है और जलजीरे को पी रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह से ना, सुबह मैं उठी थी जब इनो पी लिया था मैंने, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैंने अजवाइन खा ली, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, और मैंने हाजमोला की गोली भी खा ली, और किसी से कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मतलब मेरा पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। तो बस अभी ये जलजीरा पी रही हूँ मैं। और ये देखिए, खाना हमारा तैयार हो गया है, तो यहाँ पे चावल बन गए हैं, दाल बन गई है। और दाल में मैं बता दूँ फ्रेंड्स आपको कि मूंग की दाल बनाई है, तो चावल में भला मूंग की दाल कौन बनाता है, लेकिन मेरी इतनी ज़्यादा गैस बन रही थी ना पेट में, इसलिए मैंने ना तो उड़द की ना तुअर की दाल बनाई है, और बस मूंग की दाल बनाई है।
तो भाई मेरी पसंद की मूंग की दाल हो गई, हस्बैंड जी की पसंद की बाटी हो गई, बच्चों के लिए चावल हो गए, तो सबकी पसंद का खाना बनाया आज। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।